एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक गरीब। आज वाली इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको बताने वाला हूं Facebook से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन गाइज वही हर बार की तरह आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आज वाली इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे किस प्रकार आप अपने फेसबुक की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फेसबुक यूज करते हैं, अपने किसी फ्रेंड का प्रोफाइल देखना चाहते हैं या गाइज कोई ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो गाइज आप सर्च बार पर सर्च करते हैं और यहाँ से उसका नाम या फिर कोई न्यूज़ चैनल यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, तो गाइज उसका पेज या उसका ग्रुप आपके सामने यहाँ पर आ जाता है या फिर गाइज आपके सामने उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, लेकिन गाइज वो यहाँ पर सर्च हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाती है। अगर गाइज आप चाहे तो यहां से सिंगल सिंगल भी इनको कट कर सकते हैं, अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% जो आपके सर्च हिस्ट्री है वो प्रॉपरली डिलीट होने वाली है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको 3 लाइन्स यहां पर शो होंगी ऊपर राइट साइड में, आपको इन पर टैप कर देना है। उसके बाद गाइज आपको जाना है प्राइवेसी शॉर्टकट्स के अंदर, आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और आपको यहां पर एक ऑप्शन ढूंढ लेना है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर गाइज आपको एक ऑप्शन दिखेगा सी योर एक्टिविटी लॉग, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो आपको बिल्कुल ही लास्ट के अंदर आ जाना है, स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा लॉग्ड एक्शन एंड अदर एक्टिविटी। तो गाइज आपको जो ये एरो दिख रहा है राइट साइड में, इसके बगल में नीचे की तरफ आपको इस पर टैप करना है। तो गाइज आपके सामने इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यहीं पर आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा सर्च हिस्ट्री, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं हमने अभी आज तक को ही सर्च किया था, तो गाइज वो ऊपर आ चुका है। अगर आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना चाहते हैं सिंगल सिंगल, तो गाइज आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन गाइज अगर आप यहां से कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं इस सारी सर्च चीज को, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर सर्च हिस्ट्री के बगल में आपको जहां पर एक लिखा हुआ है, आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आपको फिल्टर और क्लियर आल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से क्लियर आल पर टैप कर देना है। उसके बाद गाइज आप पाएंगे जो आपकी सर्च हिस्ट्री है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मैं एक बार आपको बैक आकर दिखा देता हूँ, सर्च हिस्ट्री पर अगेन जाऊँगा, यहाँ पर आप देखिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सर्च हिस्ट्री यहाँ पर शो नहीं होगी और हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।